हेलो गाइज, वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल रैंकस नंबर वन पर। जितने भी पॉलीटेक्निक 2022 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, उनको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां पूर्वक ध्यान रखना है, जीकप के द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप लोग भी एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग को इंस्ट्रक्शन पढ़ना अति ज़रूरी है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी आप लोग को जानकारी मिस ना हो, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो जाए और आप लोग को एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे जाने से पहले आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पर, एग्जाम सेंटर में जाने पर क्या क्या करना पड़ेगा, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोग को पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उसका सलूशन दिया जाता है और काउंसलिंग भी करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या सावधानियां पूर्वक ध्यान रखना है तो इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप लोग को एग्ज़ाम हॉल से जाने से पहले सबसे पहले क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले जो आप लोग को ध्यान रखना है, कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। आप लोग को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप लोग को एक हैंड सैनिटाइजर और एक आप लोग को मास्क लेकर जाना है, ठीक है ना। आप लोग को ये दो चीज़ें ज़रूर लेकर जाना है। और दूसरा, आप लोग का प्लीज़ रिपोर्ट द अलॉटेड सेंटर बिफोर 90 मिनट्स ऑफ कमांसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक ना। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग को जो सेंटर अलाट हुआ है वहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम टाइम से 90 मिनट पहले, यानी कि डेढ़ घंटे पहले आप लोग को वहाँ पर पहुँच जाना है। भले ही एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग की एंट्री आधे घंटे पहले ही हो, 30 मिनट पहले ही हो, लेकिन आप लोग को वहाँ पहले पहुँच जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाएँ, जिससे आप लोग को कोई भी अगर छूटा हो डॉक्यूमेंट्स, अगर रास्ते में जाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग डेढ़ घंटे पहले अगर पहुंचेंगे तो वहां पर जल्दी से पहुंच जाएंगे, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग डेढ़ घंटे के अंदर आप लोग उसका सलूशन भी ढूंढ लेंगे। तो इसलिए आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर में 90 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि आपने आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है। तो आपको लेकर जाना है आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और दो फ़ोटो आप लोग को लेकर जाना है एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है ना। इसके दो दो आप लोग फ़ोटो करवा सकते हैं, एडमिट कार्ड की आप लोग दो फ़ोटो करवा लीजिएगा, और आप लोग एडमिट कार्ड की दो फ़ोटो आप लोग करवा लीजिएगा, जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो वहाँ पर, ठीक ना। अगर एक एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग दूसरा एडमिट कार्ड भी दिखा सकते हैं। और आप लोग को एक आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जिससे आइडेंटिटी प्रूफ, जिससे आप लोग को वहाँ पर अगर एडमिट कार्ड में अगर आप लोग को फ़ोटो नहीं दिख रही तो आप लोग वहाँ पर दो फ़ोटो लेकर जाइएगा, जिससे आप लोग दिखा सकते हैं। और आप लोग को एक आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड लेकर जाना है, या आप लोग को पासपोर्ट, पैन कार्ड, कुछ भी लेकर आप लोग को एक आइडेंटिटी का प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है ना। और आप लोग को जो अगला डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाना है टू फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ आप लोग को कौन कौन से लेकर जाना, तो आप लोग को फोटोग्राफ वही लेकर जाना है जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगी हुई है, उसी फ़ोटो को आप लोग को लेकर जाना है, और सभी के दो दो फोटोग्राफ लेकर जाना है, ठीक है ना। और बात करते हैं अगला जो इंस्ट्रक्शन है, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड इंटर द एग्जामिनेशन हाफ आफ्टर द शेड्यूल ऑफ द टाइम्स कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग अलाउ नहीं होंगे, अगर आप लोग अगर जो टाइमिंग दी हुई है उससे अगर दो भी मिनट, एक भी मिनट आप लोग लेट होते हैं तो आप लोग एग्ज़ाम देने के अवेलेबल नहीं रहेंगे, आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग डेढ़ घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाइएगा, ठीक है ना। और अगला जो आप लोग का इंस्ट्रक्शन है, यूज ऑफ वॉच, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, मोबाइल फ़ोन, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक अगर आप लोग को पास सामान है तो आप लोग उसको वहाँ पर लेकर मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लोग को वहाँ पर अलाउ नहीं की जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी कैलकुलेटर, मोबाइल, ये सब लेकर जाइएगा, अगर आप लोग दूर से हैं तो आप लोग ज़रूर लेकर जाइएगा, उसको आप लोग एक उनके पास जमा कर दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कोई भी अलाउ सामान नहीं होगा, अगर आप ऐसा पाया जाते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, आप लोग को कैंसिल कर दिया जाएगा, आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, तो ठीक है ना।
और जो अगला आप लोग का है कि आप लोग को कैंडिडेट्स मस्ट रिटेन द एडमिन कार्ड टिल काउंसलिंग एंड एडमिशन। आप लोग को जो एडमिट कार्ड है वो काउंसलिंग तक आप लोग को जब तक एडमिशन न हो जाए तब तक आप लोग को एडमिट कार्ड रखना है। वो जो असली वाला एडमिट कार्ड होगा आप लोग निकलाए रहेंगे तो वो एडमिट कार्ड को अपने पास ही रखना, खोना नहीं है, नहीं तो आप लोग को काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जहाँ जहाँ सेंटर रहता है वहाँ आप लोग को ज़रूर लगता है, वही असली वाला आप लोग को एडमिट कार्ड लगता है, ठीक ना। आप लोग उसकी 2 से 3 फ़ोटो निकला कर रख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को अगला जो जो इंट्रक्शन है वो दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन हॉल सेंटर इनवर्बल लेफ्ट आउटसाइड, ठीक है ना। यहाँ पर इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर दिख रहा है यू आर एडवाइज टू चेक द डिटेल प्रिंटेड एडमिट कार्ड। अगर आप लोग की अगर कोई भी एडमिट कार्ड में अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी से चेक कर लीजिए, उसके लिए सेंटर कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप लोग एडमिट कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग चेक कर लीजिए और आप लोग उसे सुधरा भी सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आप लोग को वहां पर जाना है कैसे जाएंगे। अगर आप लोग जैसे आप लोग का बता दें आप लोग का जैसे एग्ज़ाम आप लोग को सुबह टाइम आप लोग को एग्ज़ाम है 8 बजे से एग्ज़ाम है तो आप लोग को 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार देख चेक कर लेने हैं कि आप लोग के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब उसके बाद आप लोग को क्या होगा, टाइमिंग से आधा घंटे पहले आप लोग की एंट्री होगी। आप लोग के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे कि आप लोग एडमिट कार्ड लिए हैं कि नहीं लिए हैं, आधार कार्ड लिए हैं कि नहीं लिए हैं, फ़ोटो के साथ आप लोग को एंट्री की जाएगी। जब आप लोग एंट्री की जाएगी तो आप लोग जब एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के जिस रूम में आप लोग को एग्ज़ाम होगा उसी रूम में आप लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर आई वेरीफिकेशन और थम्सअप वेरीफिकेशन के साथ आप लोग को वेरीफिकेशन होगा, जिससे आप लोग को कंप्यूटर अलर्ट होगा कि आप इस कंप्यूटर में आप लोग को एग्ज़ाम देना है और कंप्यूटर कोड भी मिलेगा। उसके बाद आप लोग आराम से जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा, आप लोग को काउंसलिंग से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप लोग को क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप लोग 200 से प्लस मार्क्स जरूर लाइए और आप लोग को एग्ज़ाम से कोई नहीं रोक सकता कि आप लोग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जरूर पाइएगा। तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आता है जीकेप की तरफ से तो सबसे पहले आप तक प्रोवाइड की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।